पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये मोहना, और यहाँ से सब जगह सप्लाई होता है माल। अब यहाँ पे भी माल अगर इतना महंगा हो रहा है तो और जगह की मंडियों में तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, आम आदमी के बजट से बाहर से। तो चलो थे सब्जी उठार गाड़िया में रखो, मेहनत करवा के ला रहे हो, तेल 200 रुपया हुआ है, नींबू है जगह 250 का समथिंग हो रहा है, चल जाए। नहीं चलता है, पर क्या करे, चलाने पड़ते, गुजारा कर रहे, टाइम पास कर रहे। नींबू पिला देते, नींबू पानी अब के पाऊं, अभी ठंडा पानी पिला देंगे। कुल मिला की बात यह है कि अस्थिरता का माहौल चल रहा है राजस्थान के, चाहे कोई भी इंडिया में देख लो आप पूरे में। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम साहब, और नाम है दीप, और सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके नहीं जो बेल आइकन में दबा लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। और ज्यानी गर्मी आया करे वे टाइम पर अपन कूलर और पंखा की जति याद आया करे, बत्ती याद आया करे अपने नींबू की, क्योंकि नींबू एक यान की चीज़ है जैसे अपन गर्मी से राहत है जैसे दिलाया करे। लेकिन अबार यान को हो रहा है कि लोग जगह है यूट्यूब के ऊपर सर्च करवा के लाग रहे हैं कि बिना नींबू के शिकंजी है जैसे क्या बनाया जाए। कारण वो है कि नींबू का जगह भाव है आसमान छुबा के लाग रहा है। अबार में हूँ मुहाना मंडी का मायने, सब्जी मंडी है, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है इस जगह से, है जो कि पूरा राजस्थान का मायने लगभग है जो कि सब्जी है जो कि जाए है। तो अबार अपा है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करवा रहा हूँ और जानवा रहा हूँ कि सब्जी का भाव का ही है, साथ साथ नींबू का भाव है जगह क्यों अता बढ़ रहा है और अठकाई भाव चल रहा है, तो बने रहे वीडियो। तो कई भाव चल रहे बार नींबू को? भाव अभी नींबू को 220 रुपये चल रहे थे, और आप आड़ा दिन में और थोड़ा महंगा हो जा लो, हो सका चाहे काल भी महंगा हो जा लो ये नींबू, मतलब आम आदमी के बजट से बाहर चाहे आम आदमी काय ले लो, मैं ही 220 को बेच रहे थे, काल हो सके चाहे 250 भी कर दे मैं, क्योंकि माँ के पास ही माल कौन आ रहे हो, माल कम से कम आ रहे थे, माल पाती कौन आ रहे हो माँ के, कि मारे भाव ज़्यादा चल रहे थे। मुहाना मंडी का मायना टो तो अठासू है जी की सारी सब्जियां या फिर है जगह जाए करे, पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये मोहना, और यहाँ से सब जगह सप्लाई होता है माल। अब यहाँ पे भी माल अगर इतना महंगा हो रहा है तो और जगह की मंडियों में तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। एक चीज़ तासू जानना चाहूँ कि अचानक सू जगह नींबू का भाव है बाकी बढ़वा वो कहीं कारण लाग रहे हो थाने? ये अचानक से महंगा नहीं हुआ है, ये क्या है कि जो बड़े बड़े जो व्यापारी है उनके पास इनके बड़े बड़े बाग है, वो आराम आराम से इसको निकाल रहे हैं, अब वो जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे लेना पड़ेगा। नींबू खरीद वाला कता कहीं कस्टमर आ रहे हैं अभी? खूब फूल आ रहे हैं, फूल और फूल बिक रहा है, फूल बिक रहा है। हाँ अच्छा। और पहले से ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है। हाँ ये तंज मार रहे हो कि सही में इतना ज़्यादा बिक रहा है? देख लो बेच के सब नींबू लेके जा रहे हैं, देखो 33 किलो लेके जा रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँ कि जहाँ नींबू का भाव बढ़े है काहे लाग रहे थे, काहे कारण है इसके पीछे? ये कान भा जा रहा है नींबू बाहर जा रहा है। हाँ इस बार है। सैनी जी एक बात बताओ, नींबू का भाव पूछ रहे हो, भाव पूछ रहे बाद में कि चेहरा का एक्सप्रेशन में बदल गया, काहे कारण है? काहे ना बदल गया, ठीक ठाक भाव, बढ़िया भाव, 400 से 200 आया, 400 से 200 तो आ गया ना। 208 मिल रहे हैं कि 12 मार्केट में 200 मिल रहे हैं? मार्केट में भी 200 ही है, 240-200 ही मिलता है। कुछ फर्क पड़े है जी? हाँ नींबू का भाव बढ़ रहा है, इस कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहीं भाव है नींबू? नींबू 200 रुपए किलो, एक नंबर 200 रुपए। तो अब हर जगह भाव जगह बढ़ रहा है नींबू का, सही में ही बढ़ रहा है या फिर अब हवाई उड़ रही है? ये माल कम है ना पीछे, इसलिए माल ज़्यादा आएगा बाहर इसका रेट गिर जाएगा। कौन कौन सी जगह नींबू है जगह डायग रहे? ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दो जगह से आता है, वहाँ कम है माल, इसलिए अभी कम आ रहा है वहाँ से माल, वहाँ फसल कम है ना अच्छी, बहुत कम माल है। अब ग्राहक किसान इतना छोटा छोटा टोल रहा है महंगाई की वजह से, इसमें छोटा छोटा नींबू ढूंढ ले रहा है। यही नहीं माल ही नहीं है, माल नहीं है, माल होता तो बड़ा टोलता, इतना बड़ा टोलता ये। अभी क्या भाव चल रहा है आपके यहाँ पे नींबू का? 160 रुपये। 160 रुपये तो मंडी में भी यहाँ पर अलग अलग भाव है क्या नींबू के? क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे जैसे नींबू जो है वो आप जितने पहले खरीदते थे अभी उतने ही खरीद रहे हैं या कुछ कम खरीदने लगे पहले? जितने उतने ही खरीद रहे हैं, उतने रहे उतने बिक रहे हैं। तो ये
एक सवाल दसो आप पूछ चाहूँ कि मेहनत का जैसे मैं दूजा पता चल रहे हो सब्जी उठार गाड़िया में रखो मेहनत करवा के ला रहे हो कत्ता कमा लो हो 7,000 से बता नहीं कमाते 7,000 कमाने जी साहब 1,100 को सिलेंडर है तेल 200 रुपया को है नींबू है जगह 250 को समथिंग हो रहा है चल जाए नहीं चलता है पर क्या करे चलाने पड़ते चलान चला रहे हो कर रहे गुजारा कर रहे टाइम पास कर रहे चूल्हे पे भी बना लेते हैं सब्जी गैस पे बना लेते हैं फोटरा छाना बीन के टीकरा तोड़ के वो करके ले आते हैं क्या करे एक महिलाओं के लिए वो योजना चली उज्ज्वला योजना जी मैं सिलेंडर फ्री बांटे गया एक भी नहीं दे रहा कुछ भी नहीं आ रहे मिल रहा है नहीं थाने मिलो नहीं मिला मेरे को तो कुछ मैं कह रहा भाई जगह महिला का है जगह आंसू है जगह कुल निकल सी क्योंकि सिलेंडर है जगह दिया जा रहा है तो अभी महंगा आंसू निकाल रही है कुल निकाल रही नहीं दे रहा मेरे को तो दिया ही नहीं अब तक तो देना पड़ेगा भाई हमको और क्या घर वर कैसे चल रहा है आपका ऐसे चला रहे कैसे बड़ी मुश्किल चल रहा है घर 1500 रुपया रूम का दो भगवान की कसम झूठ नहीं बोलती 1500 रुपया रूम का दो लाइट बिजली का अलग दो पानी ले आओ अलग से हर चीज के पैसे हर चीज के पैसे लग रहे कमाई कम कमाई कम गरीबा को लूट रहे सर तो सीताराम जी आप बताओ टीन सी बेचवा जो कई भाव बार बिकवा का लाग रही है टीन सी 50-60 एक कत्ता दिन लाग जाए है पूरी टीन सी ना उगावा और बेचवा खातर लाभा का मायने 35 दिन का मान चालू जाए टीन सी 35 दिन का हाँ और 35 दिन चल जाए ना तो जत्ती दे मेहनत कर रहे जो बत्तो वापस मिल बाग लाग रहे जो कि टीम सी नहीं कौन मिल रही हो कौन मिल रही हो गलाव रखा जाए ड्रिपानी और डांडोर खा जाए रामेश्वर जी राम 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 सर राम राम सर कई भाव टमाटर बेच बाग लाग रहे हो टमाटर तो 12-13 बिक रहे साहब आप देखा तो नॉर्मल बटे तो महंगा बिक रहे थे महंगा बिक रहे थे ना कोई मजाली बात बोलते हो हम आपके कीड़ो लागो टमाटर हम ज्यादा किसान जगह से बने कहीं कहीं यानी की समस्या हो जाए जाको सामने वो करना पड़े जी कहीं का सामना होना पड़े जाको कीड़ो लाग रहे हम तो सामना कहीं पड़े थे किसानों ने कहीं सुविधा है जैसे सरकार की तरफ वो मिलनी चाहिए ताकि थोड़ा फायदा हो सके पानी की कमी है कि मैन बात तो आज है पानी की कमी है ये पानी बिना सब देखो फसल बर्बाद है रही टमाटर ने लगभग कितना दिन लागे थे पक पक में 2 महीना लागे साहब नींबू पिला देते अब ठंडा पानी पिला देंगे अब घड़ा लो ठंडा पानी हाँ घड़ा का ठंडा पानी ठीक है नींबू के भाव में नींबू 60 रुपए पाव बेच रहे हैं 60 रुपया बड़ी 70 बता रहे हैं 5-10 रुपया जैसा माल है वैसा भाव अच्छा थारगन कौन सोता गुड़ो माल लगे अच्छा ये नींबू तो मैंने मन लगा है कि कई दिन का पड़ा है कोई खरीद की भी ले जाएगी देख के जानिया जाओ 5 किलो तो लेके आ रहा खरीद कर तो 5 किलो निकल जाएगी कुछ कम बत्ती हो जाओ बस 2-4 किलो लुगाई रगड़ गरी कौन करेंगे भैया ना मैं तो तारी व्या कौन दू है करा कढ़ाई करे लेकिन करा के अब तो देखे लेने के लिए मैं तो सारी सब्जी खरीदने के लिए आया गर्मिया के अंदर कोई भी सब्जी लेना हो या कठे भी जाओ बाजार में नींबू लिया हमने कोई आओ कौन थे नींबू खरीदा है नहीं अभी खरीदा को नहीं भाव तेज भी कारण हाँ। तो कोई घर आ जाए था ना नींबू पानी पीनो हो तो देखिए पीनो पसंद नींबू के जगह आप ठंडा यूज कर रहे हैं कोई गेस्ट आ रहा है तो ठंडा में सुलटा रहे हैं अभी नींबू यूज कौन कर रहे हैं अच्छा ठंडा सस्ता पड़ रहा है पानी पीना है मंजना नींबू पानी पीना है लेकिन वो तो जगह जेब की चीज जी साहब जेब की कैपेसिटी अभी साहब खरीदा लेकिन मिडिल क्लास आदमी अभी इस जगह भाव आई खरीद कौन पा रहे सब ज्यादा हाई अभी मंडी में नींबू ही हो रही है अभी का अलावा और भी नींबू नींबू ही है बस फिलहाल नींबू ही है कुल मिला की बात यह है कि अस्थिरता का माहौल चल रहा है राजस्थान के चाहे कोई भी इंडिया में देख लो आप पूरे में नींबू खरीद रहे होगी हाँ नींबू ले रहे हो तो लिया ही कौन लिया भाव ही ज्यादा बोल रही भाव ज्यादा बोल रही 70 रुपए की बता रही 60 रुपए पाव तो थारे नींबू पानी थे पीवो हो गया गेस्ट के लिए लेके जा रहे हो बच्चा के लिए गेस्ट के लिए स्कूल में जा रहे हैं ना बच्चा बन के लिए चाहिए तो नींबू बिक रहे हैं कौन बिक रहा है नींबू बिकते हैं नींबू तो लेने वाले बहुत आदमी नींबू ले रहे हैं जिसको नींबू की बिल्कुल जरूरत है जैसे रोजे वाले हैं या कोई बीमार है या किसी के जुकाम है या किसी के पथरी वाले बहुत ले रहे हैं आम आदमी नींबू नहीं ले रहे हैं अब देखा तो गर्मी इतनी तेज हो रही है कि नींबू पानी पीना चाय तो कोई भाई बात है कोई पीवा तो लगती नींबू तो अब वो पी रहे जुकाम के लिए वो ले जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं बाकी और आदमी दिन में कितना ग्राही खा जाए अब भी 5-7 किलो नींबू बिकते हैं
थे खुद नींबू बेचो थे खुद घर नींबू लेके जाओगे लेके जाओ नींबू बिल्कुल कम से कम पाव नींबू ले ली घर में। तो आज का वीडियो का मैंने आपा है जिसका नींबू का भाव अटका चल रहा है वह जान भाई कोशिश करी, साथ ही साथ और भी कुछ सब्जियां का भाव है जान भाई कोशिश करी। गृहणी से बात करी जो अरे मजदूरी एक तरीके से करवा के लाग रही है, कमाई है जकी वहाँ की बिल्कुल होबा गुण लाग रही और महंगाई आसमान छू रही है वहाँ को आके वो है। साथ ही किसानों से भी आप बात करी तो आपने ये वीडियो के बारे में थैंक राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट करता है जरूर बताना, साथ साथ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है शेयर करना है चैनल कर लो सब्सक्राइब क्योंकि राजस्थानी भाषा का मैंने खबर है जबकि सिर्फ थाना झलको राजस्थान पर ही देखवा खतर मिला है। मैं हूँ ताको दोस्त दीप, जय हिंद जय राजस्थान।